हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मा किचन्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से छोले भटूरे, और भटूरे भी बहुत अच्छे तरीके से फूले हैं। तो देखिए, आज हम छोले भटूरे की रेसिपी बना रहे हैं। दोनों छोले की भी इसमें रेसिपी है, भटूरे की भी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने छोले भटूरे बहुत ही डिलीशियस बनाए थे, बहुत बढ़िया। और घर पर छोले भटूरे ना, बाहर की अगर आप घर पर खाएंगे इस तरीके से बना के, तो बाहर की खाना भूल जाएंगे। और घर पे इंसान अच्छे से खा भी लेता है, इतना बाहर अच्छे से नहीं खा पाता है। तो हमने यहाँ पे छोले बनाए हैं, भटूरे बनाए हैं, साथ में सैलेड काटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा ली है। मैदे में मैं डालूँगी एक इनो का पैकेट। यहाँ पे मैं इनो डाल रही हूँ, क्योंकि हम इंस्टेंट भटूरा बना रहे हैं, मतलब तुरंत के तुरंत भटूरा बना लेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि कई घंटे हम आटे को लगा के रखें, इससे फटाफट से बनाना शुरू कर देते। मैंने एक इनो का पैकेट डाल दिया है। अब मैं दही पानी डाल के मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। दही हम जब डालते हैं तो दही के बाद हमें कुछ घंटे रखना होता है भटूरे बनाने के लिए। इसका जो डो होता है हमें कई घंटे रखना पड़ता है, लेकिन इनो डालने के बाद हम तुरंत भटूरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आटा लगा देंगे अच्छे तरीके से। इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, टाइट आटा नहीं होना चाहिए। इनो क्या करता है कि रिएक्ट करता है और तुरंत ही आटे को फुला देता है, अच्छे से फूल जाता है आटा इनो डालने से। और वैसे अगर हम बनाते हैं तो हमें कई घंटे भटूरे का आटा गूंद के रखना पड़ता है, तब जाके आटा फूलता है। तो चलिए हम इसको रख देते हैं आटे को। आटे को सेट होने के लिए मैंने रख दिया है, जब तक हम छोले तैयार कर लेते हैं। मैंने छोलों को पूरी रात भिगो के रखा है। आप चाहें तो इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। अगर रात भर भिगो रहे हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ओवरनाइट रखा है इसको भिगो के, और यहाँ पे छोले अच्छे से फूल गए हैं। सबसे पहले हम छोले बना लेते हैं, जब तक मेरा आटा सेट हो जाएगा, जब आटा गूंदा है भटूरे का। तो हमने यहाँ कुकर में डाल दिया है तेल डाला है मैंने 1 कप। छोले हम बनाएंगे बहुत बढ़िया पिंडी स्टाइल छोले बनाएंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे प्याज हमारी पक रही है, और कुकर में हम छोले अच्छे से गलाएंगे, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो और यहाँ पे जब प्याज अच्छे से पक गई है, तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज को हमें थोड़ा ब्राउन कर लेना है, ताकि प्याज जो है कच्ची ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, 4-5 मिनट में टाइम लगा है इसे ब्राउन होने में। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है भर के, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और इसके अलावा 1 बड़ा चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर, यानी कि अगर छोटे चम्मच से आप डाल रहे हैं तो 2 चम्मच लें, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो बस यहाँ अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, ताकि जो मसाले हैं वो सब अच्छे से भून जाएं। तो मसालों को हमें यहाँ अच्छे से भून लेना है। तो मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डायरेक्टली छोले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मसाले भून रहे हैं, 5-6 मिनट में सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। उसके बाद मैंने छोले ऐड करे। छोलों को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। अगर ओवरनाइट नहीं भिगो रहे तो कम से कम 5-6 घंटे भिगो दें, या फिर आपको इंस्टेंट बनाने तो आप इनको गर्म पानी में भिगो सकते हैं। गर्म पानी में ये तुरंत ही फूल जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि 5-6 घंटे इनको भिगो के रखना पड़े। तो बस यहाँ पे छोले डाल दिए हैं, और छोले डालने के बाद हम इसमें सीटी लगा लेंगे, ताकि छोले जो हैं गल जाएँ। इन्हें गलाना है अब, तो यहाँ पर ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगाएंगे। तो ढक्कन लगा के हम लगा लेंगे 4-5 सीटी, ताकि छोले अच्छे से गल जाए। ये चेक कर लेना है 4-5 सीटी के बाद कि आपके छोले अच्छे से गले कि नहीं गले हैं। 4-5 सीटी में वैसे गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर छोले मसाला। छोले मसाला भी मैं अभी डाल देती हूँ। छोले मसाला भी मैंने करीब इसके अंदर डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के छोले मसाला डाला है। इससे छोले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी, मैंने यहाँ पे चला दिया छोले डालने के बाद। अब हम इसमें लगा लेंगे सीटी, ताकि छोले जो हैं अच्छे से गल जाएं। चने, मतलब कावली चने भी बोलते हैं इसको, छोले भी बोलते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे ढक्कन लगा के सीटी लगा लेते हैं। सीटी हम 4-5 लगा लेंगे, ताकि छोले जो हैं अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगाई हैं पूरी 5 सीटियाँ,
क्योंकि छोले हम अच्छे से गले हुए चाहिए, तो यहाँ छोले अच्छे से गल गए। हल्का सा इन्हें कहीं की भी मैश कर देंगे ताकि कुछ छोले जो हैं हल्के से मैश हो जाएं। क्योंकि जो बाहर छोले खाते हैं हम लोग, उसमें कुछ छोले मैश होते हैं और कुछ छोले जो होते हैं चने जो होते हैं पूरे पूरे होते हैं। तो बस हमने चम्मच से थोड़ा सा उसको मैश कर दिया हल्का हल्का, और छोले हमारे जो हैं बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो देखिए छोले बस रेडी हो गए हैं, ये देखिए छोले बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। इनको मैंने मैश भी कर दिया है अच्छे से। तो बस चलिए अब हम बना लेते हैं भटूरे, भटूरों को तल लेते हैं। भटूरे का आटा भी सेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे अब भटूरे बनाने के लिए पेड़े रेडी कर रही हूँ, तो हम भटूरे बना लेते हैं। तो इस तरीके से बना के हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा मैंने सूखा आटा ले लिया है ताकि बनाने में आसानी रहे। आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो इस तरीके से बना के हम पट्टे पे बेलेंगे, और बेलने के बाद इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। और ये ध्यान रखना है, मतलब आपको कि ये हमें सरसों के तेल में फ्राई नहीं करना, ये रिफाइंड में फ्राई करेंगे, रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा रहता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे हम इसे बेल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भटूरों को जो है बेला है पट्टे पे, और बेलने के बाद हम इन्हें तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए भटूरे अच्छे से बेल गए हैं, तो बस इस तरीके से लंबे लंबे थोड़े से साइज में इसको बेल लेते हैं। हल्का सा लंबा बेलने में थोड़ा सा तलने में भी आसानी रहती है, और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं भटूरे। तो मैंने ना कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया, तेल गर्म हो रहा है, रिफाइंड तेल। तेल को ये ध्यान देना है कि तेल जब भटूरा जब तेल में डालेंगे तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, तभी भटूरा अच्छे से फूलेगा। तो मैं यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया, एकदम हाई फ्लेम है, और अब मैं भटूरा इसके अंदर डाल रही हूँ। तो मैं इसके अंदर भटूरा डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब इस तरीके से थोड़ा चम्मच से ना इसको हल्का से इस तरह से प्रेस करते रहेंगे कि जो इसका ऑयल है इसके ऊपर डालते रहेंगे गर्म तेल, इससे जल्दी फूलेगा। ये देखिए, तो देखिए भटूरा जो है फूल गया है, ये देखिए इतने बढ़िया तरीके से फूला है। अब इसको पलट देंगे, गरम तेल डालने से ना भटूरा एकदम फूल जाता है, तो पहले इसको हल्का सा प्रेस करना है, फिर गरम गरम जो तेल है चम्मच की मदद से इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए भटूरा हमारा कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है, एकदम वाइट है और बहुत ही फूला फूला है, एकदम सॉफ्ट अंदर से, ऊपर से क्रंची है अंदर से सॉफ्ट है। तो बस हमारा भटूरा बन के रेडी हो गया। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है छोले भटूरे की, इसमें छोले की रेसिपी भी है भटूरे की भी, दोनों चीज़ें आसान तरीके से बनाई हैं, कोई भी झंझट नहीं है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं और सर्व कर लेते हैं खाना। भटूरे बहुत अच्छे बन के रेडी हुए हैं, मैंने छोले भी सर्व कर लिए हैं और थोड़ी सी मैंने प्याज काट ली है। चलिए फिर, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब